हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योगा संत के चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मन के संयम द्वारा आकाश तत्व की प्राप्ति। दोस्तों मन के संयम से बड़ी बाधा जो होती है वह इंद्रियों का विषय होता है, जो हम इंद्रियों के द्वारा अन्य विषयों को भोगते हैं तथा उसके आदि हो जाते हैं। वह एक प्रकार से इंद्रियों के हाथों कठपुतली माना जाता है। जो लोग इंद्रियों के वश में होते हैं और वह वही करते हैं जो उनका चंचल मन करवाता है। इच्छाएं जो अनंत होती हैं, जो हर ओर भागती हैं, एक पूरा नहीं हुआ कि दूसरे के लिए तैयार हो जाता है। मनुष्य इनकी पूर्ति के लिए आजीवन प्रयत्न करता रहता है। अपने कल्याण, अपनी शांति के विषय में तो सोचने का समय उसके पास क्षणिक भी नहीं होता है। मनुष्य में अधिकांश समय इंद्रियों की प्रभुता ही बनी रहती है। वे हमेशा इंद्रियों के विषयों की ओर ही भागते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि मन के द्वारा बुद्धि को हर लिया जाता है। और यदि बुद्धि प्रबल हुई तो बुद्धि के द्वारा मन को हर लिया जाता है। इस प्रकार से बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। इंद्रियों के नियंत्रण में जितना कार्य बुद्धि का है उससे कई ज्यादा कार्य मन का है, क्योंकि यह इंद्रियों के सबसे अधिक समीप होता है और इसी समीपता के कारण इसे भी इंद्रियों में गिना जाता है। मन इंद्रियों का नियंत्रण अपने आप संयम रख कर करता है, इसलिए मन के संयम से पहले मन को जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जिस वस्तु का हमें ज्ञान नहीं होता उसका संयम कैसे कर सकते। मन एक उभय इंद्रिय है जो कि इंद्रिय मुक्त व इंद्रिय तीत दोनों ही है, इसलिए इसे इंद्रियों का प्रमुख माना जाता है। इसी मन के अन्य 10 शक्ति यानी भेद हैं, जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां कहते हैं। कोई भी इंद्रियां मन के सहयोग के बिना विषय में प्रवृत्त नहीं हो पाती। जिस जिस इंद्रियों के साथ मन होता है वही विषय ग्रहण को करता है। इसका एक उदाहरण यह भी है कि हम कभी देखते हैं कि हम किसी कार्य में लगे होते हैं और तभी ऐसा ख्याल आता है कि अरे छोड़ो ना, दूसरे को काम करते हैं वह अच्छा है, हम उस नए काम की ओर भाग जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने से बहुत सारी चीजें गुजर जाती हैं लेकिन हमें पता नहीं, क्योंकि हम उसमें इतना रमे हुए होते हैं कि हमें आसपास में होने वाली घटनाओं के बारे में पता नहीं। तो किसी को बुलाने पर उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देती है। इसका कारण यही होता है कि उसका ध्यान इंद्रियों के विषय में लगा हुआ है। मन को संयमित करने का सबसे पहला चरण यह है कि हमें प्रतिदिन अपने कार्यों का निरीक्षण करना पड़ता है। ऐसा करने से धीरे धीरे मन को यह पता लगने लग जाता है कि हमारे ऊपर नियंत्रण रखा जा रहा है और वह धीरे धीरे बेलगाम घोड़े की तरह वश में होने लगता है। मन को संयमित करने का दूसरा कारण है ईश्वर की उपासना का, जिसके द्वारा हम पूजा पाठ और प्रभु के भक्ति में लीन हो करके हम मन को गलत रास्तों पर जाने से रोक सकते, क्योंकि यह सृष्टि में अत्यधिक भौतिकवादिता बढ़ चुकी है और अधिक भौतिकवादिता होने के कारण हम अधिक सुखों की ओर भागते हैं और इस चमक धमक की रोशनी में हम गुम हो जाते हैं। इंद्रिय हमें हर कार्य करने के लिए विवश कर देता है जिसे हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम अपने इंद्रियों के विषय के बारे में नहीं जानते, इसलिए मन हमें अपना गुलाम बना लेता और हम उसके कठपुतली बन जाते। इन सबको रोकने का जो मुख्य कारण है वह है मन को अभ्यास पूर्वक संयमित करने का। प्रयास करते रहने से मन स्वतः ही संयमित हो जाता है। आइए जानते हैं सदाचार के द्वारा आकाश तत्व की प्राप्ति कैसे हो। दोस्तों सदाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, सद यानी सत्य पर आधारित, आचार यानी आचरण करना। अतः सदाचार का अर्थ होता है सत्य पर आधारित आचरण करना। इसे ही भगवद गीता में धर्म की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो तन और मन की पवित्रता से युक्त है वही सदाचारी है। सदाचार आत्मिक शांति को प्राप्त करने का एक शाश्वत मार्ग है। सदाचार प्रत्येक मानव, प्रत्येक जाति, समाज, राष्ट्र के सदैव सुख एवं शांति का मूल है। महर्षि चरक ने सदाचार के सिद्धांतों पर विशेष विचार किया। उन्होंने कहा है कि मनुष्य की शरीरस्थ उन्नति का मुख्य स्रोत इसी में है,
जो व्यक्ति सदाचारी है वही उन्नति। आइए अब जानते हैं दूसरे बिंदु के बारे में, मानसिक अनुशासन के द्वारा आकाश तत्व की प्राप्ति। मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती, यह आप भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं। यदि हम मन से ठान ले कि हमें इस कार्य को करना है और बुरे विचारों को निकालना है और अच्छे कार्य करना है, तो हम अपने आप को उस कदर बना लेते हैं कि हम मन की ना सुनकर हम अच्छे कार्य में लग जाते। इस प्रकार से हमें अच्छे और बुरे भावनाओं के बारे में पता होने लगता है तथा हम इनसे मुक्त होने लगते हैं, जिसके कारण मन से अतिरिक्त भार उतर जाता है और हम स्वयं को काफी हल्का महसूस करने लगते, और यही हल्कापन आकाश तत्व हो जिसमें हम कई बुरे विचारों से मुक्त हो जाते हैं और खुद को हल्का और मुक्त महसूस। आइए जानते हैं तीसरे बिंदु की तरफ, ब्रह्मचर्य द्वारा आकाश तत्व की प्राप्ति। ब्रह्मचर्य के द्वारा हम आकाश तत्व को प्राप्त कर सकते। ब्रह्मचर्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला 25 वर्ष की अवस्था तक जिस काल में वेदा अध्ययन और अन्य शिक्षाएं होती है जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन किया, और 25 वर्ष के बाद गृह आश्रम जिसमें हम अपने संसार के सभी क्रियाकलापों को करते हैं जो एक संसारी व्यक्ति के आचरण में होता है। इस प्रकार से हम अपने ब्रह्मचर्य को पालन गृहस्थ आश्रम में रह करके भी कर सकते। साधारणतः ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है जननेन्द्रियों के संयम को रखना, ब्रह्मचर्य कहलाता है। इंद्रियों के संयम द्वारा ब्रह्मचर्य में स्थापित हुआ ही ब्रह्मचारी कहलाता है, और इस ब्रह्मचर्य के द्वारा आकाश तत्व जैसे विश्राम, प्रसन्नता आदि के द्वारा भी हम आकाश तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ऑल नोटिफिकेशन घंटी को दबा लीजिए और इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।